सूबे। चार राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सियासी शतरंज में सभी दलों ने अपने मोहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हो रहे इन राज्यों में चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए अग्निपथ से कम नहीं होने वाले हैं। उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने से जहां बीजेपी में थोड़ी निराशा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद है। विपक्ष को लगता है कि हवा का रुख उसके पक्ष में है। विपक्ष को भरोसा है कि महाराष्ट्र समेत चार राज्यों में चुनावी नतीजे देश की राजनीति को बदल देंगे। वहीं चार राज्यों के विधानसभा चुनावों को जीतकर बीजेपी जताना चाहती है कि अभी हवाओं का रुख बदला नहीं है। जनता आज भी बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन सियासी हकीकत क्या है इसे समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से रोकने में कामयाब इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने के बाद अंदरूनी कलह से घिरी हुई है। यूपी में इंडिया गठबंधन से पिछड़ने के बाद बीजेपी में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था। सीएम योगी के खिलाफ उनके सहयोगी मोर्चा खोले हुए हैं। दिल्ली दरबार में शिकवे शिकायतों का दौर जारी है। इसी हालात के बीच यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा है, तो इसी साल के आखिर में चार राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव दोनों ही गठबंधन के लिए अग्निपथ से कम नहीं होने वाला है। विपक्ष को भरोसा है कि महाराष्ट्र समेत चार राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आए सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सर्वे में राज्य में उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को महाराष्ट्र में 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर इस सर्वे की माने तो महाविकास अघाड़ी अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। झारखंड लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने से इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। झारखंड में एनडीए को 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। यहां बीजेपी 7 सीटों पर सिमट गई है, जबकि जेएमएम कांग्रेस को 2-2 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी की झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके में हार विधानसभा के लिए बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ कांग्रेस के लिए संभावना है, लेकिन यहाँ कांग्रेस अंदरूनी कलह से घिरी है। कांग्रेस के अंदर हुडा और कुमारी शैलजा के बीच खेमेबाजी चल रही है, तो वहीं बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की सीटों की संख्या 10 से घटकर 5 हो गई। वहीं कांग्रेस जाट वोटों को अपने पास रखने में सफल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने वोट शेयर 15% की बढ़ोतरी की है, जबकि बीजेपी के वोट शेयर में 12% की गिरावट आई है। अब इस साल के अंत में चार राज्यों में होने वाले चुनाव पर सबकी नजर है। ये चुनाव सत्ता और विपक्ष की राजनीति को अलग दिशा दे सकती है। चुनाव वाले सभी चार राज्यों में इंडिया गठबंधन और एनडीए के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर सचमुच किसके पक्ष में हवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो किसके पक्ष में हवा है ये समझने की यहाँ पर जरूरत है, और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि इन चार राज्यों में किसका प्रदर्शन कैसा होता है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रही है, जोर लगा रही है इन चुनावों में फतह हासिल करने के लिए, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संजीव तारनाश जी हमारे साथ हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, सर स्वागत है आपका। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खरा साहब आपके साथ ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है इन चार राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर? जहां तक हम समझते हैं
चारों राज्य हमारे पास आना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नहीं कह सकते किस तरह का चुनाव होगा, किस तरह का बदलाव है, किस तरह उन्होंने स्वीकार किया है उस बदलाव को। उनको जो भारत से अलग अपने आप को समझते थे और अब वो भारत में सम्मिलित अपने आप को समझते हैं, इस तरह की अलग अलग हम सोचे तो वहां भी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक तरह से जो आरक्षण हुआ है बकलवार वगैरह का, जो बेचारे तरस रहे थे विकास के प्रकाश के लिए इतने वर्षों से, दूसरी बात ऐसे लोग जो खुद भारतीय थे और उनको कश्मीर की मतलब माना नहीं, कश्मीर प्रदेश में उनको निवासी नहीं माना जाता था वहां का, लेकिन भारतवर्ष के निवासी माना जाता था, ये अजीब बात थी। ऐसे लोग भी जो विस्थापित होकर आए थे और इतने सालों से 60 साल से रह रहे थे, वो भारतीय निवासी पहले भी थे, बंटवारे से बाद में भी थे, ठीक है, उसके बाद भी उन्हें कश्मीर नहीं माना जाता था। वहाँ की स्थिति में भी सुधार होना चाहिए। और बाकी जहाँ तक नहीं, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सबसे पहले हम बात करें, 288 सीटें हैं, क्या लगता है? क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है वो तो ये बता रही है कि 55 से 65 सीटें आप लोगों के मिलने के अनुमान है। बाकी तो महाविकास अघाड़ी काफी अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है उन सर्वे की रिपोर्ट में। उसमें जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है, हाँ, हाँ, उसको पहली चीज तो शिवसेना ही नहीं माना, न सिंबल मिला। वो उसका कारण तो यहाँ तो जो भी राजनीतिक रहा हो या जो लीगल रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ का आम जनता का सवाल है, वो बाल ठाकरे जी के वो शिष्य कहलाने लायक है ही नहीं। उनके नहीं, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करेगी ना सर, कहलाने लायक है या नहीं है, ये तो बीजेपी तय करेगी या विजय खरा सब तय करेंगे, ये तो आम जनता तय करेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो बाल ठाकरे जी ने कहा वो नहीं किया उद्धव ठाकरे, ये सवाल है। इसके हम एक एक करके प्रमाण दे सकते हैं, बहुत लंबा वक्त लगेगा। वो हमेशा कहते थे कि कांग्रेस के साथ हमें कभी नहीं जाना है और ये कांग्रेस के साथ चले गए। वो हमेशा कहते थे कि शिवसेना का पहला काम है हिंदू धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, और ये उसके खिलाफ चले गए। ये हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल भेज देते हैं, ये इसकी हालत है। तो इस हालत में हम ये कह रहे हैं कि वो अधिकारी नहीं बन पाए बाल ठाकरे जी के। संजीव, संजीव जी कैसे से देखते हैं महाराष्ट्र की, खासतौर पर अगर हम बात करें, भले ही ये कहा जा रहा है कि महाविकास, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, महाविकास अघाड़ी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन विजय खारा साहब तो इसको नकार रहे हैं, कह रहे कोई तैयारी नहीं है इनकी, कुछ नहीं होगा, हम ही जीतेंगे। दो टुकड़े हो गए, ये भी आपको मुझे उम्मीद करता हूँ डॉक्टर विजय खारा साहब मेरे को टोकेंगे नहीं और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। चुनाव का उस समय भी भारतीय जनता पार्टी मेरे लाल यादव सुन लेते सुन लेते कह रहा सब उस समय भी इनकी पार्टी के बड़े से बड़े नेता बातें करते किया करते थे कि हम इस बार 400 पार करेंगे, अगली बार 400 पार, हमारी सीटें 400 पार आ रही है। तो इस तरीके की सपने देखने की इनको आदत हो चुकी है। ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर के जो मंत्री बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, जो इनके ऊपर की टीम बैठी है, वो अगर इस तरीके की बातें करेंगी तो प्रवक्ता भी इस तरीके की बातें करेंगे, तो जाहिर सी बात है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ करके अपनी सत्ता काबिज करने की कोशिश करी, और उसके बाद इन्होंने मुद्दों पर क्या किया, देश को ना तो देश के युवाओं को ये रोजगार दे पाए, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पाए, ना किसानों को एमएसपी का वादा कर पाए, और ना ही किसी भी मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतर सकी। 2014 के बाद जिस तरीके से ये मुद्दे लेकर के आते थे कि महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के काम कम करेंगे, नरेंद्र मोदी जी इस तरीके की बातें करते थे, सारी की सारी विफलता है। ये कहा करते थे कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, हम काला धन लेकर के आएंगे, तो वो काले धन का क्या हुआ था, कब लेकर के आ रहे हैं, 10 सालों के अंदर क्या चक लिए, कुछ यही बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े सपने देखने की नहीं, नहीं, तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए आप जीत हासिल करेंगे, कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, गठबंधन जीतेगा, क्यों ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जनता चाहती है कि जो उनके मुद्दों की बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, जनता क्या चाहती है, जनता कैसे साबित हो गया, कैसे साबित हो गया बताइए ना।
बताइए ना संजीव जी, कैसे ये साबित हो गया कि जनता ने ये चाह लिया कि जो उनकी मुद्दों की बात करेगा वो उसको सत्ता में लेके आएगी और कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों की बात कर रही है? पार्टी के मुद्दे क्या थे? नहीं नहीं आप मुझे नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए ना, आप अपनी बात करिए, मुझे ये बताइए ये कैसे साबित होगा कि कांग्रेस पार्टी को चाहती है जनता, ये जनता के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने ही उठाया है, ये कैसे साबित हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में? 2024 के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में अगर आपने देखा हो तो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने विपक्ष के 2024 के चुनाव में ये कैसे साबित हुआ सर, ये बताइए ना। नहीं नहीं पार्लियामेंट में क्या किया छोड़ दीजिए, नहीं नहीं पार्लियामेंट में क्या किया छोड़ दीजिए, 2024 का चुनाव ये कैसे बताता है कि कांग्रेस पार्टी ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है? आप सत्ता में आ गए क्या? बताओ नेहा जी, क्यों नहीं बताता? नहीं बताइए ना, चुने हुए माननीय सांसद अगर पार्लियामेंट के अंदर जाकर के आवाज नहीं उठाएंगे, वहां पे जाकर के जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो कहां पर उठाएंगे? आपने कहा ना कि जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है। भारतीय जनता पार्टी ने किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा लोगों को रोजगार देने के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पास। सर आपको तो सत्ता में आ जाना चाहिए था ना, फिर आए क्यों नहीं आप सत्ता में? आपने इतने मुद्दे उठा लिए जनता से जुड़ा हुआ है तो जनता को आपको सरताज बना देना चाहिए था, सत्ता का ताज पहना देना चाहिए था। अरे नेहा जी, जो 400 पार का नारा देते थे उनको 240 से ला करके रोक दिया। ये तो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि एक होशियार बच्चा जो था, नहीं नहीं वो इस पोजीशन पे है कि आज देशभक्ति की सरकार है, ये तो कह रहे हैं जनता पार्टी की सरकार नहीं है, देशभक्ति। संजीव जी, संजीव जी सुनिए, इनके तो नेता कहते हैं कि एक होशियार बच्चा, एक नलायक बच्चा, जो होशियार बच्चा है वो सोचता है कि 99% लेके आने हैं, लेकिन वो 75 पे अटक जाता है तो वो दुखी होता है थोड़ा कि चलिए 75 मेरे परसेंट आए हैं, मैंने उतने अच्छे प्रदर्शन नहीं किए जितना उम्मीद थी, लेकिन एक जो नलायक बच्चा है उसके और कम नंबर आते हैं लेकिन वो खुश होता है कि चलिए हमारे कम आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके भी कम आए, तो आपकी वो स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सोच से देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको इस तरीके से देखेंगे कि एक समय था कि 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें हुआ करती थी, 52 सीटों से 99 सीटों पे आना मतलब 200% सीटों की बढ़ोतरी, तो इसको इस तरीके से क्यों नहीं देखते हैं? चलिए अच्छी बात है अगर आप संतुष्ट हैं तो, नहीं नहीं हम कैसे देखते हैं उसको छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी अगर अपने प्रदर्शन से संतुष्ट है ना सर तो ये एक बड़ी बात है। मोहम्मद अमीन जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए आपने दोनों की बातें सुनी, दोनों नेताओं की, एक उतने से ही संतुष्ट है कि जी हम तो 99 सीटें ले आए हम उतने से संतुष्ट है, एक सत्ता में बैठे हैं और कैसे से देखते हैं इन दोनों चीजों का और लोकसभा चुनाव 2024 का कितना असर उन चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़ने वाला है जिसके अभी चुनाव होने? अमीन जी, साफ तो गिरी है क्योंकि हो सकता है इसमें या तो कई फैक्टर्स होते हैं, इसमें एक तो कैंडिडेट का चुनाव, अलावा वहां पर जो देश की जो रूलिंग पार्टी है उसने क्या किया लोगों के लिए, जैसे भी बात कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे हैं, पगार के मुद्दे हैं, MSHM और भी चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर तो ये जो सरकार है अपने आप में कामयाब नहीं, क्योंकि उसने NDA के तौर पे अपनी सरकार दोबारा बना ली, तीसरी बार सरकार चुनी गई है और ये जो है तो समझता हूँ तो उसका इम्पैक्ट ये जो आने वाले चार स्टेट के चुनाव है उनमें दिखेगा। अगर इन्होंने गलतियां नहीं तो उन दूसरों के न होने की वजह से उन स्टेटों में भी इसका फर्क पड़ेगा और उस स्टेट में फर्क पड़ने की वजह से इनकी सरकारें बनना मुश्किल होंगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस हद तक दोनों पार्टियां अपने अपने होमवर्क में कामयाब होती हैं, अपने अपने मुद्दों में आ जाती हैं सर, और भी अपने मुद्दों को अपनी जनता तक समझाने में कामयाब रहती हैं। जी नेहा जी, ठीक है। आप खैरत साहब देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जनता तक क्या वो मैसेज पहुंच पा रहा है जो मैसेज पार्टियां पहुंचाना चाहती है, जिस बात को आपने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में नाकाम रहे,
हम वो मैसेज जनता तक नहीं पहुंचा पाए जो हम पहुंचाना चाहते थे या जो हमें पहुंचाना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात, ये तो महाराष्ट्र की बात हुई थी, लेकिन अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी एनडीए को 4 सीटों का नुकसान हुआ लोकसभा चुनावों में। अब सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी महज 7 सीटों पर सिमट गई, 4 सीटों का नुकसान हुआ पहले के अपेक्षा। ऐसे में आदिवासी बहुल इलाका जो है वहां पे आपको पसंद नहीं किया जा रहा, कैसे अपनी पकड़ बनाइएगा आप? हो सकता है एक आध जगह आदिवासी इलाके में ऐसा हुआ हो, लेकिन जहाँ तक आदिवासी का सवाल है, हम सारे इलाकों में जीते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या उड़ीसा हो या अरुणाचल। झारखंड की बात कर रही हूँ आप। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ एक साथ जगह ये हो सकता है कि वो बात वहाँ तक न पहुँच पाई हो जो हमने काम किया है। और दूसरी बात, हमने आपसे पहले कहा कि कोई भी कैटेगरी का आदमी हो, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो या ओबीसी हो, उन लोगों के पास इस बात का संदेश पहुंचाया गया, मिथ्या प्रचार किया गया कि हम आरक्षण बंद कर देंगे, जो सफेद झूठ था, 100% झूठ था। ठीक है, आपकी वो नाव कागज की चल गई एक आध बार, या कांच की हांडी आपने रख ली, किसी तरीके से जल जला के पूरी हो गई वो, उसके बावजूद भी आप जीते नहीं। इस मिथ्या प्रचार के बावजूद भी ये बताता है कि मोदी योगी की चमक अपनी जगह जहाँ की तहाँ मौजूद है, लोकप्रियता मौजूद है। एक गलत फहमी छोटी सी हुई और उसको हम नहीं दूर कर पाए, वो मैं जानता हूँ, लेकिन अब जनता समझ गई ये तो था ही नहीं कभी मुद्दा, संविधान को बदलने का था ही नहीं। आदिवासी इलाकों में आप लोगों को नहीं पसंद किया जा रहा, एक आधा नहीं कहा जा सकता, एक बड़ा इलाका है, एक बड़ा तबका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा है। अगर नकारा जा रहा है तो इसका विधानसभा चुनावों में सर असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ा तो आप लोगों को वहां पर जाहिर तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर विजय खैरा साहब को कि ये कहते हैं कि मोदी योगी मैजिक अभी भी बरकरार है, अगर क्या बरकरार होता तो नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से नहीं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हालत हुई है ना वो हालत नहीं हुई होती। तो अभी भी आप उसी भ्रम के अंदर जी रहे हैं कि मतलब आपको नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगा, तो अब वो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो अब के आज की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार ये कहिए कि बैसाखी पे सरकार है और आपको जनता के लिए कार्य करने हैं, और जनता जो देश का विपक्ष है वो इतना मजबूत है कि वो अब आपको तरीके से मान भटकाने की। चलिए, मजबूत विपक्ष से कैसे सामना होगा? संजीव जी सवाल इस बात को लेकर है ना कि चलिए ये तो झारखंड महाराष्ट्र की बात होगी, लेकिन हरियाणा में जब कांग्रेस आपसी सिर्फ फुटबॉल से जूझ रही है तो किस तरह से उसका मुकाबला आप लोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, जो कि लगातार सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की जो पार्टी है उसमें तो सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खेमेबाजी चल रही है, जो सिर्फ अभी से नहीं है बल्कि लगातार देखते हुए हम आ रहे हैं, बयानबाजी क्या, खेमेबाजी क्या, सब कुछ देखने के लिए मिलता है। जो आप खेमेबाजी की बात कर रहे हैं इलेक्शन पे, पहली बात उस खेमेबाजी का कोई असर दूर दूर तक नहीं होने वाला, इस बार पूरी की पूरी हरियाणा कांग्रेस है ना, खेमेबाजी है ना, खेमेबाजी है ना, मनमुटाव होंगे वो आपसी मनमुटाव का ही तो असर पड़ता है सर, ये कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर नहीं पड़ता अगर बड़े नेता आपस में भिड़ रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, खेमेबाजी है, बयानबाजी है। जो स्थितियां पहले हुई उन स्थितियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष में बैठने का काम करेगी। ठीक है डॉक्टर विजय खैरा साहब, ये तो सर देखिए आज की स्थिति नहीं है ना, ये तो सदियों पुरानी स्थिति है, हम देखते हुए आ रहे हैं, कई वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं कि दो खेमे जो हैं कुमारी शैलजा और हुड्डा का, लेकिन उस बीच जब लोकसभा चुनाव भी होते हैं तो उसमें नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ता है, कांग्रेस को नहीं। इनके पास हरियाणा में सिवा एक बात के कुछ नहीं, ना इनका काम है, ना इनके पास वर्कर्स है, और ऊपर से आप पार्टी ने इसीलिए इनके साथ पंजाब हरियाणा में समझौता नहीं करना चाहते और अभी नहीं करेंगे आप पार्टी वाले। तो मैं ये कहना है एक चीज इनके पास है सिर्फ, वो है हुड्डा साहब का चेहरा, हुड्डा साहब की अपनी खुद की वहां पर कुछ ना कुछ कमाई है, लेकिन वो चेहरा राहुल गांधी के चेहरा सामने ऊपर आते ही खत्म हो जाता है।
क्योंकि जैसे राहुल गांधी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, ये अबूटा जैसे क्षेत्रीय नेता कितनी भी मेहनत कर लें, पहला खामियाजा तो इनको यही होगा। आपको आपको किसने नुकसान पहुंचाया बताइए ना, 10 सीटों से घटकर 5 सीटों पर आ गए आप 2024 के चुनाव में। लोकसभा के बारे में हमने आपसे पहले कह दिया, एक मिथ्या प्रचार था, उस मिथ्या प्रचार की नहीं नहीं सर, जिम्मेदारी तो तय होनी पड़ेगी ना सर, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, खत्म करेंगे वो गलत गलतफहमी दूर हो गई जनता की। अब की बार तो फिर वही वापसी होनी है जो हम पहले थे, और ये बात से अगर खुद होते हैं 99 सीटें ले आए 425 में, तो इन्हें होने दीजिएगा उस हिसाब से, असेंबली में भी 1000 सीटें बढ़ जाएंगी, हम इसमें खुश हो जाएंगे, बड़े उससे कहेंगे देखे साहब हमने सीटें पर देखे ना, हमने मोदी जी का मार्जिन कम, अरे तुम जीतने की बात करने से मार्जिन पे आ गए, जब 1.5 लाख से जीते, अब 2 लाख से जीते, जीतना तो 5,000 का बहुत होता है, 1.5 लाख से जीतने के बावजूद भी आप कह रहे हैं, कह रहे हो आप तो 1.5 लाख पे आ गए, इस पे अगर आप खुश हैं तो खुश रहिए, हम सरकार बनाएंगे चारों जगह। नहीं नहीं सवाल इसलिए उठ जाते हैं ना कि राहुल गांधी का मार्जिन डबल था नरेंद्र मोदी के मार्जिन से, सवाल इसलिए उठ जाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ बता उन राहुल गांधी से ज्यादा मार्जिन पे जीतने वाले हमारे यहाँ से 9-9 लाख के दो लोग हैं, तो उससे क्या डबल मार्जिन देते, तो राहुल गांधी उससे छोटे नेता हो गए ना दूसरे दो सांसदों से, ये मार्जिन का सवाल नहीं है, सवाल क्षेत्र का है, जिस क्षेत्र में उनके 70 साल से उसी क्षेत्र में उनके परिवार की 3 पीढ़ियां राजनीति करती आ रही हैं, उसी में राहुल गांधी हार गए थे, अगर जीत गए हैं दोबारा उसमें ठीक है, उनका क्षेत्र था वो, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस की वोट परसेंट में 15% की बढ़ोतरी हुई, जबकि आपके वोट परसेंट में 12% की गिरावट हुई। लोकसभा में हमने आपसे कहा ना, एक पर्टिकुलर जो ओबीसी और दलित का जो वोट था, उनको जो गलत फहमी पैदा कर दी गई कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण ही तो उनकी सबसे बड़ी मांग है, डिमांड है, जरूरत है, जिंदगी है, और वो रहना चाहिए और वो रहता, ठीक है, लेकिन ये उन्होंने कहा और उसका असर हुआ। ठीक है संजीव जी, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मोहम्मद अमीन जी के पास रुक करती हूँ। झूठ झूठ पकड़ा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर विजय खन्ना साहब बोल रहे हैं कि फैजाबाद सीट से जो उनके सांसद हुआ करते थे, उन्होंने एक दुष्प्रचार करने का काम किया था, उन्होंने एक जिस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो उस समय उन्होंने वहां जाकर के बोला था कि जीत तो हम 272 पे भी जाएंगे, बट अगर हम संविधान के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए 430 सीटें चाहिए, तो ये आपकी पार्टी के नेताओं का नारा था, तो इस तरीके की भ्रामक बातें टीवी पर बैठ करके विजय खन्ना साहब को नहीं करनी चाहिए, आपकी पार्टी ने ये दुष्प्रचार किया था और ये दुष्प्रचार आपकी पार्टी को ही लेकर के डूब गया, तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए, टीवी पर बैठ करके झूठ बोलने का काम ना किया कीजिए। ठीक है मोहम्मद अमीन जी, देखिए जल्दी से खैर साहब जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट के से जमानत पर कौन है, एक लाइन में आप बता दें खुद ही, मैं नहीं बताता नाम, पूरा हिंदुस्तान समझ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, माँ बेटे की, दोनों के दोनों भ्रष्टाचार के जमानत के ऊपर है, जमानत पर। अरे साहब ये तो आप साहब क्या पार्टी के, और आप बार बार काले धन की बात कर रहे हो, आपने भिजवाया कोर्ट ने ये माना है, उसकी भी टिप्पणी थी ना कब, उनको तड़ी पार किया गया था या नहीं किया गया था, इतनी बात आपने नेशनल हेराल्ड को बेच डाला 5 लाख रुपए की रिश्वत खा के, कैसी बात है आपका चेहरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मोहम्मद अमीन जी, नहीं मैं आती हूँ एक सेकंड, मोहम्मद अमीन जी सवाल इस बात को लेकर, देखिए हरियाणा में किसका पलड़ा भारी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा बेनिफिट कांग्रेस के लिए ये है कि जाट वोटों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिल सकता है? देखिए हाँ, चंदन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो चीजें डाटा भी आप बता रहे थे 15% और 12% का किसी को लॉस हुआ है और 15% किसी को गेन हुआ है, तो ये चीजें आपके विधानसभा में बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट तौर से दिखाई देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर इन्होंने अपनी तो उसमें कार्य पद्धति में सुधार नहीं किया, क्योंकि इस वक्त जो चीजें महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, फार्मर्स का मुद्दा है, और फार्मर्स का मुद्दा हरियाणा में बहुत जुड़ा हुआ था, इनको देखना होगा कि ये कहाँ तक उसमें कामयाब हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो इनकी सरकार तो मुश्किल से बनेगी, लेकिन जहाँ तक ये एज पे है अभी देखने को आ रहा है, यही आ रहा है कि ये जो जिस हिसाब से पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं उनमें वो गेन कर रहे हैं, तो ये ग्रुपबाजी या जो भी चीजें हैं वो तो अपनी एक तरफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही इनको मिलने वाला है और उसी पर ये लोग मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन अब रूलिंग पार्टी को सोचना होगा कि हमने 10 साल काम किया है तो हम क्या दे पाए हैं हरियाणा की जनता को, और हरियाणा की जनता इसलिए बिल्कुल इच्छुक है, देख रही है और चाहती है। आज जनता सीधा वोटर है, वो किसी के कहने में नहीं आती है, उसको क्या मिला उस बेस पे वो चुनाव में। चलिए, हरियाणा की जनता इस पर जरूर ध्यान देगी कि दरअसल उसको मिला तो मिला क्या, क्योंकि लगातार अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो उससे क्या फायदा भारत लोगों को हो रहा है, इसका जवाब और इसका सवाल भी पूछने की कोशिश जनता करेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खास कार्यक्रम के माध्यम से आप तीनों का जुड़ने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।